चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर पद पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मेयर पद को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय हो गई है। लंबी जद्दोजहद के बाद दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी तय कर नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। ऐसे में कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर मैदान में उतार दिए। मेयर पद पर चार प्रत्याशियों के पांच नॉमिनेशन फाइल हुए। बीजेपी ने रश्मि सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हेमा सिंघानिया दो नामांकन पत्र दाखिल कर मैदान में उतरी। इसके साथ ही कांग्रेस की भी राजूला सिंह और नरसिंह बानो ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। शनिवार को सुबह 10:30 बजे नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद 7 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 नवंबर को मतदान के साथ ही ग्रेटर नगर निगम को उसका नया महापौर मिल जाएगा। रश्मि सैनी बीजेपी वार्ड नंबर 12, हेमा सिंघानिया कांग्रेस वार्ड नंबर 74, राजूला सिंह कांग्रेस वार्ड नंबर 130, नसरीन बानो कांग्रेस वार्ड नंबर 132। कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को प्रत्याशी बनाया। हालांकि हेमा के साथ नामांकन के दौरान पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा, लेकिन हेमा सिंघानिया ने कहा कि कांग्रेस के सभी पार्षद एक साथ हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। वहीं उन्होंने बीजेपी के भी कई पार्षद अपने संपर्क में होने का दावा किया। शीर्षक नेतृत्व में मुझे पार्टी को सिंबल दिया और चुनाव लड़ने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कांग्रेस पार्षदगण सभी एक मत बहुमत हो के सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं कांग्रेस की राजूला सिंह और नसरीन बानो ने भी नामांकन दाखिल कर हेमा सिंघानिया की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि राजूला का कहना है कि यदि उनकी पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पार्टी को नुकसान ना हो, इसलिए डमी कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नसरीन बानो ने कहा कि कांग्रेस से किसी तरह की नाराजगी नहीं, नामांकन दाखिल करना उनका हक है। महापौर के लिए लंबी गहमा गहमी के बीच बीजेपी ने रश्मि सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया। मेयर उम्मीदवार बनाए जाने पर रश्मि सैनी ने पार्टी नेताओं का आभार जताया, साथ ही ग्रेटर नगर निगम की जनता के हित में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने का वादा किया। जिन्होंने मुझे साधारण कार्यकर्ता पर अपना विश्वास व्यक्त किया, जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी मैं उसको पूरी तरह। बीजेपी में सुबह से ही नामों को लेकर गहमा गहमी रही। पहले सुप्रीत बंसल को प्रत्याशी बनाने की चर्चा रही। इसके बाद दोपहर में सभी दावेदारों को बीजेपी मुख्यालय बुलाया गया। अपनी दावेदारी जताने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे अन्य उम्मीदवारों को पार्टी ने वहीं रोक दिया। इसे लेकर कार्यवाहक महापौर शीलदाबाई की बेटी का गुस्सा फूट पड़ा। अपनी मां को प्रत्याशी नहीं बनाने पर शीलदाबाई की बेटी ने पार्टी दफ्तर में जमकर हंगामा मचाया। खुद शीलदाबाई भी प्रत्याशी नहीं बनने से नाराज दिखी। शीलदाबाई जब पार्टी दफ्तर से बाहर निकली तो उनके आंसू नहीं रुक पाए। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? अब क्या क्या बोला इन्होंने, क्या करेंगे आपके लिए, क्या करेंगे क्या आपके लिए बताओ? मेरे भाई आपने पार्टी के लिए इतना किया, ये क्या करेंगे? शीलदाबाई की नाराजगी पर बीजेपी प्रत्याशी रश्मि सैनी ने कहा कि शीलदाबाई सीनियर लीडर हैं, उनका मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। उधर कांग्रेस की तरफ से 3 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने पर चुटकी लेते हुए उप महापौर पुनीत कर्नावट ने निशाना साधा। कांग्रेस के संपर्क में तो कांग्रेस के पार्षद भी नहीं है, इसलिए हेमा सिंघानिया जी भी भर्ती है, राजूला सिंह जी ने भी भर दिया है और नसरीन बानो ने भी भर दिया है। तो कांग्रेस पहले तो अपने ही पार्षदों को अपने संपर्क में ले ले। मुझे इसके ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कल तक हम ये मानते थे कि हम 100 से ज़्यादा लोगों को का समर्थन प्राप्त करके हमारा महापौर बनाएंगे। आज जिस तरीके से कांग्रेस का बिखराव खुलेआम सामने आया है, ये संख्या 100 से भी आगे जाने वाली है। बीजेपी मान्य उम्मीदवारों की नाराजगी से जुड़े इस प्रकरण में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस बार ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के सभी विधायक और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को बीजेपी मुख्यालय पर बुलाकर बातचीत की गई। पार्टी ऑफिस पर प्रभारी गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के बीच लंबी मंत्रणा हुई। पार्टी ने तय किया, सर्वसम्मति तय किया है और सब लोग लगेंगे जिताएंगे। देखिए, सर्वसम्मति सबसे चर्चा करने के बाद पार्टी ने प्रत्याशी तय किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी की जिस प्रकार की स्ट्रेंथ है और हम सबके जिस प्रकार के संस्कार हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्रेटर का महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा।
जयपुर के विकास के नाते से हम अपने कामों को गति देंगे। सभी विधायकों और पार्षदों से रायशुमारी के बाद रश्मि सैनी के नाम पर मोहर लगी। रश्मि सैनी के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी दफ्तर में अपनी नाराजगी जाहिर हुई। इसे लेकर नामांकन के समय भी विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी, पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत, कैलाश वर्मा सहित पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। अच्छा काम करेंगे, डेवलप करेंगे एरिया को, जो शॉर्टकमिंग्स पहले रही हैं, क्योंकि टेम्पररी किसी को बनाते हैं तो ईसी की मीटिंग्स नहीं, सैद्धांतिक रूप से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो उससे वर्क सफर करता है। सब पार्षदों को लेकर साथ में चलेंगे। 10 नवंबर को होने वाले महापौर चुनाव के लिए दोनों दलों के प्रत्याशी दमखम के साथ जुट गए। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब देखना होगा कि आखिर कौन सा प्रत्याशी अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब होता है। सहयोगी दिनेश के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।